मजूर एकता जिंदाबाद 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 तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। देखो, आप सबको पता है, मीडिया वालों को पता है, आज हमारा 9वां चरण है और राजस्थान सरकार जो हर धर्मी राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के साथ कर रही है, उससे भी आप परिचित हो। राजस्थान सरकार जब सत्ता में आई, वादा किया, और आज उस साल 3 साल गुरियर जाने के बाद में भी इन कर्मचारियों को 5 साल से जो नया वेतनमान लगा है, 7वां पे कमीशन आज तक नहीं दी गए। क्या ये गलत मांग है? जनता की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज 1500 नई बस मांगने की क्या गलत मांग है? राजस्थान के इस सरकार रोडवेज बेड़ा को चलाने के लिए 9000 भर्तियों की जो डिमांड की जा रही है, वो क्या गलत मांग है? सरकार की आंखें बंद है, सरकार इसको चलाना चाहती है या नहीं? पहले तो मैं इस बात पे बात करूंगा इस मंच के माध्यम से कि सरकार ने जब ये कहा था कि अगर हमारी सत्ता में आई सरकार तो हम रोडवेज का विकास करेंगे और रोडवेज की जायज मांगों कर्मचारियों को हम सहपूर्ण सौहार्दपूर्ण अपने लागू करेंगे। आज सरकार 3 साल से कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और राजस्थान के जो हमारे टीम है, जो विधायक टीम है, वो भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, धृतराष्ट्र बनी हुई है, अंधे बने हुए हैं, जो वायदा करके सत्ता हत्या करके आ गए और अंधे होकर के एक अपने छोटे से लोभ के कारण राजस्थान रोडवेज को बंद करना चाहते हैं। क्यों उन्होंने वादे किए झूठे? क्यों सत्ता में लोगों को बरगलाया? और हम कोई गलत नाजायज मांग नहीं मांग रहे, हम रास्ता रोडों के विकास चाह रहे हैं, रास्ता रोडों में नई भर्तियां चाह रहे हैं और रास्ता रोडों के लिए नई बेड़ा के लिए गाड़ी चाह रहे हैं। और उसके अलावा 7वां वेतन आयोग अगर ये सरकार देती है, कोई ऐसा नहीं करती है। 5 साल हो चुके हैं कर्मचारियों को घाटा उठाते हुए, क्या ये राजस्थान सरकार का अंग नहीं है? क्या उपक्रम नहीं है? सरकार को सोचना चाहिए और जो जायज मांगे उनको तुरंत प्रभाव से लागू करके इन कर्मचारियों को 27 तारीख की जो हड़ताल है उसको टालना चाहिए। कि अगर हड़ताल होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होती है, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री यातायात मंत्री की होती है, वो जानबूझ करके इसको हड़ताल की ओर ले जाना चाह रहे हैं और राजस्थान की जनता ये देख रही है। आज त्रैमासिक हमारा आंदोलन चल रहा है, 3 महीने से चिल्ला रहा है कर्मचारी कि हमें ये दो वो दो, हमारी मांगे पूरी करो, पर सरकार की जो कुंभकर्ण नीति हुई है अभी तक नहीं जानी है। आज हमने जो प्रोग्राम किया है ढोल बजाने का, सरकार जगाने का, ये जो आंदोलन किया है किया जा रहा है, ये सिर्फ सरकार को कुंभकर्ण की नीति से जगाने के लिए किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय परिवहन मंत्री से, कि अगर आप राजस्थान सरकार को चलाना चाह रहे, रोडवेज को चलाना चाहते हैं, तो इनकी जायज मांगों को पूरा करें और तुरंत प्रभाव से इस हड़ताल जो होने जा रही है 27 तारीख, इसको टालने की कोशिश करें। बनवारीलाल जांगिड़, क्षेत्रीय सचिव एटेक यूनियन। देखो, राजस्थान रोडवेज कर्मचारी का जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है उसके तत्वाधान के तहत चरणबद्ध आंदोलन जारी रखे हुए अपनी मांगों को लेकर के राजस्थान रोडवेज कर्मचारी। आज 9वें चरण के तहत राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े बजा करके बेरी गूंगी सरकार को जगाने की कोशिश की है। हमको बताया सरकार जागने वाली नहीं है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। 3 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं पूरे, लेकिन इस सरकार ने जो हमारे कर्मचारियों के साथ वादा किया था, जब 20 दिन की हड़ताल पिछले सरकार के समय रोडवेज कर्मचारियों ने की थी, तो हमारे मंचों पर आकर के वर्तमान सरकार के परिवहन मंत्री हो चाहे से सचिन पायलट जी हो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो तुम्हारी मांगे हैं वो जायज है, चाहे वो 7वें पे कमीशन की हो, चाहे नई भर्ती की हो, चाहे नई बसों की खरीद की हो, चाहे तुम्हारे को बोनस एज ग्रेसिया की हो, चाहे जो जो डी नेशनलाइज जो मार्क किया गया उनको नेशनलाइज करने की हो, इस तरह से 11 सूत्री मांगे तुम्हारी जायज है। लेकिन ये सरकार सत्ता में आ गई, हमारी उन मांगों को भूल गई और शायद वो हमारी जायज मांगे उनको नाजायज लगने लगी। ऐसी स्थिति में 3 साल का एक लंबा समय देने के बाद राजस्थान रोड के कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन हमारी मांग जो अपनी मांगे उनको लेकर के चालू रखा है और आज ढोल नगाड़े बजा करके सरकार को जगाने का काम किया है। इसके बाद भी 25 और 26 दो दिन हमारे रात और दिन के धरने हैं, तब भी सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो 27 तारीख को हमारे राजस्थान रोडवेज के अंदर पूरे राजस्थान रोडवेज में संयुक्त मोर्चे के तहत चक्का जाम का आह्वान है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी नौबत नहीं आने दे ताकि जनता त्राहिमान हो, परेशान हो,
हम खुद ये चाहते हैं कि हड़ताल ना हो और हमारी मांगे समय पर पूरी हो जाए, लेकिन सरकार की हर धर्मिता है कि सरकार वर्तमान समय में अभी वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कर्मचारियों के पास हड़ताल पर जाने के सिवाय और कोई मार्ग बचता नहीं है। तो हम राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आज आपसे एक बार फिर पूरा निवेदन करना चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उन पर ध्यान दें और जल्द से जल्द उनको पूरा करने की कोशिश करें। मनील कटारिया, एटक सचिव, अजमेरू आगार, अजमेर। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।